कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मेटल बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे मेटल बाजार में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन, किस तरह का एलएमई और एमसीएक्स में कारोबार चल रहा है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई के मार्केट के बारे में बात करेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार में जैसा कि आपको लगातार बताते आ रहे हैं, गिरावट बाजारों में नहीं देखी जा रही है। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक का बाजार काफी अच्छा खासा तेज है, जबकि लेड और निकल के बाजार में आप प्रॉफिट बुकिंग देखकर चल सकते हैं। चाइना का बाजार बंद है, लेकिन इसका कुछ खास तरह का असर मेटल बाजार पर नहीं देखा जा रहा है। मेटल बाजार में लोकल बाजारों में भी काफी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कॉपर के लेवल एल्यूमिनियम में 9,312 रुपए है, 784 रुपए का रेट है। कॉपर में एल्यूमिनियम की 2,638 रुपए एल्यूमिनियम में है, 227 रुपए का रेट एल्यूमिनियम में देखा जा रहा है। इसके अलावा लेड में 2,147 रुपए का लेवल चल रहा है एल्यूमिनियम में, 186 रुपए का रेट है। जिंक में 3,429 रुपए का लेवल एल्यूमिनियम में, 298 रुपए का रेट चल रहा है। इसके अलावा गोल्ड यानी सोने के बारे में अगर बात करते हैं, 1930 रुपए 60 पैसे का लेवल। कॉमिक्स मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कॉमिक्स में चल रहा है सोने में 56,845 रुपए का रेट, एमसीएक्स में आप सोने में देखकर चल सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी कीमतें भी 68,000 के पार जा चुकी हैं, 23.70 रुपए का लेवल कॉमिक्स में है, 68,356 रुपए पर। एमसीएक्स में आप सिल्वर यानी चांदी में कारोबार देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में 80.40 रुपए का लेवल चल रहा है कॉमिक्स में, 6,564 रुपए एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में कारोबार हो रहा है, तो बहुत ज्यादा गिरावट क्रूड ऑयल में भी नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में, तो दिल्ली के बाजार में कॉपर सुपर एचडी का रेट 788 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 750 हो गई है। एल्यूमिनियम बर्तन का रेट दिल्ली के बाजार में 184, एल्यूमिनियम वायर सेफ कीमतें 212 है, एल्यूमिनियम पुर्जे का रेट 168 है, जिंक हिंदुस्तान कीमतें 333 रुपए देखी जा रही है। लेड का रेट बाजारों में 182 है, एलआईबीटी कीमतें 196 है, बैटरी स्प्रे का रेट 97/117 रुपए चल रहा है, निकल की कीमतें 2340 है, टिनागे का रेट 2465 रुपए है, ब्रास पीतल में 4,85 रुपए पर कारोबार देखा जा रहा है। इसके अलावा एसएस बर्तन स्क्रेप में 72 रुपए का लेवल चल रहा है। और मुंबई के बारे में अगर बात करते हैं तो मुंबई के मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखी नहीं गई है। कॉपर केबल स्क्रेप का रेट मुंबई के बाजार में 760 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 730 चल रही है, ब्रास स्क्रेप का रेट 500 रुपए है, एल्यूमिनियम स्क्रेप की कीमतें 168 रुपए मार्केट में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा जिंक इंगट का रेट 301 है, लेड की कीमतें 200 चल रही है, टिन इंगट का रेट 2520 रुपए देखा जा रहा है, निकल कैथोड में 2400 रुपए का आप लेवल देखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो कॉपर में एक अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 745 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है कॉपर में, 755 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है कॉपर में। लेड के बारे में बात करते हैं तो 181 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है लेड में, और 183 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल लेड में देखा जा रहा है। जिंक में 305 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है ऊपरी लेवल पर, ऊपरी स्तर पर 313 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है जिंक में। निकल के बारे में अगर बात करते हैं तो 2300 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, और 2380 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल आप निकल के मार्केट में बाजारों में देखकर जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक में तेजी है, लेड और निकल में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट देखी नहीं गई है। अब आने वाले समय में बजट के बाद बाजारों में किस तरह का फैसला लिया जाता है कमोडिटी बाजार में, बजट में इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में मेटल बाजार पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। आने वाले समय में आपको और भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो आप एक अच्छे लेवल के आसपास ऊपरी स्तर से अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आज अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।